रेलवे एएलपी की वैकेंसी आखिर कब जारी होगी? आप देख सकते हो दोस्तों, एएलपी एंड टेक्नीशियन की भर्ती के लिए कल एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है इंडियन रेलवे की साइट पर। शॉर्ट के माध्यम से मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी थी, लेकिन कुछ कैंडिडेट के कुछ कमेंट आ रहे हैं, तो उस सारे डाउट को आज की वीडियो में हम क्लियर करने वाले हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रविंद्र, आप देख रहे हैं सरकारी एग्जाम कवरी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो सबसे पहले उन कैंडिडेट के जो है सबसे ज्यादा कमेंट आए हैं, यहां पर आप देख सकते हो भर्ती कब आएगी। ठीक है, नोटिफिकेशन आपने देखा होगा, कल शॉर्ट के माध्यम से मैंने आपको एक वीडियो प्रोवाइड की थी कि रेलवे एएलपी की बहुत ही जल्द आप लोगों को नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। आखिर कौन कौन से जो कैंडिडेट हैं इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, कल एक नोटिस में रेलवे ने जारी किया है, कौन से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, आईटीआई वाले कौन से, जो है पूरा क्लेरिफिकेशन दिया है नोटिफिकेशन में। आखिर कौन कौन से क्राइटेरिया जो है आप लोगों के एजुकेशन क्राइटेरिया मांगा गया है, तो सबसे पहले जो है कैंडिडेट यही कह रहे हैं कि चलिए नोटिस तो एक दे दी है, हमारा एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए एलपी एंड टेक्नीशियन की पोस्ट के लिए, भर्ती कब आएगी इस पर चर्चा कर लेते हैं। क्या टेक्नीशियन की पोस्ट नहीं आएगी? नोटिफिकेशन जो जारी किया गया था उसमें आईटीआई लेवल के लिए और डिप्लोमा लेवल के लिए बात की गई थी, लेकिन बहुत से कैंडिडेट का ये डाउट है कि सर एएलपी जो बोला गया है टेक्नीशियन की पोस्ट के लिए नहीं बोला है, क्या टेक्नीशियन की पोस्ट नहीं निकलेगी, इस पर भी चर्चा कर लेते हैं। लास्ट ईयर है आईटीआई का, ठीक है, आईटीआई का सर हमारा लास्ट ईयर है, हमें मार्कशीट अभी नहीं मिली है, हमारा जो है आईटीआई का सर्टिफिकेट मेरे पास नहीं है, तो क्या हम अगर भर्ती आ जाती है तो फॉर्म को हम अप्लाई कर सकते हैं? तो ये सारे कैंडिडेट का, बहुत सारे कैंडिडेट का डाउट है, ये भी क्लियर करेंगे। डिप्लोमा हमारे पास 2 साल का है, लेटरल एंट्री के थ्रू मैंने डिप्लोमा किया है सर, क्या हम एलिजिबल है कि नहीं है, तो इस पर भी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि भर्ती कब आएगी। बहुत सारे कैंडिडेट का सबसे पहले क्वेश्चन यही है कि सर भर्ती कब आएगी। भर्ती आपको देखिए एक एक्सपेक्ट बता रहा हूं मैं आपको, जनवरी में या फरवरी में, ठीक है, जनवरी या फरवरी में आप लोगों को भर्ती का नोटिफिकेशन जरूर देखने को मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं क्या टेक्नीशियन की पोस्ट नहीं है आई है, तो टेक्नीशियन की पोस्ट भी आई है। देखिए अभी 2018 की बात कर लेते हैं, 2018 में जो नोटिफिकेशन निकलेगा मैंने स्क्रीनशॉट लगा दिया, आप देख सकते हो 2018 में जब भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया था तो वहां पर साफ साफ मेंशन था, जब देखिए जब लोको पायलट की वैकेंसी आती है तो साथ में एएलपी और टेक्नीशियन की पोस्ट, ये दोनों पोस्ट निकाली जाती है, ठीक है, लास्ट भर्ती 2018 वाली उठा के देख लीजिए, उससे पहले की भर्ती देख लीजिए, तो दोनों पोस्ट निकलती है। ऐसा नहीं है कि जो आपको वैकेंसी का जो पूरा क्लेरिफिकेशन दिया हुआ है कौन कौन कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है किस किस पोस्ट पे, तो ऐसा नहीं है कि टेक्नीशियन की पोस्ट नहीं निकलेगी, ये भी बिल्कुल निकलेगी, उसके लिए बिल्कुल भी परेशान ना हो। तो टेक्नीशियन की पोस्ट के लिए देखिए 12th लेवल, अगर आपने 12th किया है मैथ और फिजिक्स आपके पास सब्जेक्ट है तो आप 12th वाले टेक्नीशियन की पोस्ट को भर सकते हो, लेकिन अगर आईटीआई भी आपके पास है, आईटीआई का सर्टिफिकेट है, तो आप दोनों पोस्ट के लिए एलिजिबल हो, टेक्नीशियन एंड एएलपी, टेक्नीशियन और एएलपी दोनों पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हो जाओगे। बात कर लेते हैं लास्ट ईयर आईटीआई का हमारे पास सर्टिफिकेट नहीं है तो उन कैंडिडेट क्या फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। देखिए जब आपका भर्ती जारी की जाती है, लास्ट डेट जो उसमें मेंशन की जाती है, तो उस लास्ट डेट तक आपके पास आईटीआई का सर्टिफिकेट होना चाहिए। लास्ट भर्ती 2018 की उठा के देख लीजिए, उसमें भी ये निकला हुआ है, अगर आपके पास फॉर्म भरने तक लास्ट डेट तक आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो आप एलिजिबल नहीं हो, ठीक है। तो ये सारे बहुत सारे कैंडिडेट का क्वेश्चन था, मैंने ये भी क्लियर कर दिया है। देखिए जो डिप्लोमा लेवल है लैटरल एंट्री से मैंने सर किया है, 2 साल का डिप्लोमा है, लेकिन जो 3 साल का मांगा गया है, तो मैं क्या फॉर्म अप्लाई कर सकता हूं? तो बिल्कुल अप्लाई कर सकते हो लैटरल एंट्री से। देखिए जो लास्ट ईयर की बात कर ले 2018 में, उसमें भी मेंशन किया था जो लैटरल एंट्री से जो डिप्लोमा किए थे रेलवे, उनको भी जब डीवी हुआ था, वो बहुत सारे कैंडिडेट डाउट में थे कि सर हमारा डीवी में हमको बाहर तो नहीं कर दिया जाएगा, उनका डीवी भी क्लियर हुआ है, आज वो नौकरी पर भी हैं। तो इसके लिए बिल्कुल भी आप घबराए नहीं कि सर हमारा लेटरल एंट्री के थ्रू 2 साल का डिप्लोमा है तो क्या हम इलिजिबल नहीं है, तो बिल्कुल इलिजिबल हो, आप परेशान नहीं होना है आपको बिल्कुल भी। डाउट और आप लोगों का है कि सर बीई बीटेक जो किए हुए हैं, क्या बीई बीटेक वाले भी इलिजिबल हैं? बोथ आर, यानी कि एएलपी
और टेक्नीशियन की पोस्ट के लिए, क्या दोनों पोस्टों के लिए ये इलिजिबल है? तो बिल्कुल ये दोनों पोस्ट के लिए इलिजिबल है। क्यों इलिजिबल है? देखिए बीई बीटेक वाले जो है, चार साल का इनका होता है, तो ये एएलपी और टेक्नीशियन दोनों पोस्ट, यानी कि ये ट्वेल्थ भी किए होते हैं, ट्वेल्थ में मैथ और फिजिक्स इनका कंपलसरी होना चाहिए, तो टेक्नीशियन के लिए आप इलिजिबल हो। तो ये जो है कैंडिडेट पूछ रहे थे कि सर क्या एएलपी और टेक्नीशियन दोनों पोस्टों के लिए हम इलिजिबल है, तो आप दोनों पोस्टों के लिए इलिजिबल हैं। तो ये सारे डाउट थे आप लोग के, आज की वीडियो में मैंने आपके लिए क्लियर किए। और भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट में जरूर मेंशन करिएगा, सारे डाउट आपके क्लियर करने की पूरी कोशिश की जाएगी। तो अब रही बात की आखिर सर जो वैकेंसी है इतना लेट क्यों हो रहा है, तो लेट क्यों हो रहा है ये मैं नहीं बता पाऊंगा। देखिए जो कमेंट आया मैंने आपको बता दिए हैं, तो यही सारी डाउट से आपके मैंने क्लियर कर दिए हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक कीप स्टडीइंग कीप वॉचिंग सरकारी एग्जाम खबरी। जय हिंद जय भारत, स्वस्थ रहें मस्त रहें।